अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, हिस्ट्री ऑफ यूएसए के आउटलाइन को हम डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने फोर्थ टॉपिक को एक्सपेंशन ऑफ द यूएसए फ्रॉम 13 टू 50 स्टेट्स 1820 टू 1949, यानी अमेरिका की तोसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इंट्रोडक्शन देखेंगे अमेरिका की तोसी का और इस पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कि असल 13 कॉलोनियाँ क्या थी और उन्होंने कब आज़ादी हासिल की थी। अमेरिका की तोसी में पेरिस के मुआहदे की अहमियत के पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे। मैनिफेस्टो डेस्टिनी के तस्वर ने अमेरिकी तोसी को किस तरह से मुतासर किया था, हम इसको डिस्कस करेंगे। देन हम देखेंगे कि मैनिफेस्टो डेस्टिनी और मगरब की तरफ जो तोसी हुई थी तो इसका पीरियड 1820 से 1853 तक था, यानी 1822-1853। तो इस जो है मैनिफेस्टो डेस्टिनी का मतलब क्या है और इसने अमरीकी पॉलिसी को कैसे तश्कील दिया था और इसके अलावा मैसूरी समझौते ने आज़ाद और गुलाम रियासतों के तवाजन को कैसे मुतासर किया, हम देखेंगे। टेक्सास को 1845 में क्यों शामिल किया गया था और इससे किस तनाज़े ने जन्म लिया था। जुनूब मगरबी इलाकों में जो मजीद तोसी हुई थी उस पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे जो कि 1853 से 1867 तक हुई थी। गेडसन खरीदारी का मकसद क्या था और इससे कौन सा इलाका शामिल हुआ था। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्या कैलिफोर्निया में सोने की तलाश ने अमरीकी मगरब की तरफ तोसी को कैसे मुतासर किया। अलास्का की खरीदारी के बारे में भी डिस्कस करेंगे, इब्तदा में इसको मुतनाज़ा क्यों समझा गया था। आलमी ताकत का सफर और बैरूनी इलाकों में तोसी को डिस्कस करेंगे। 1889-1912 हस्पानवी अमरीकी जंग के नतीजे में अमेरिका ने कौन से इलाके हासिल किए थे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि 1898 में अमेरिका ने जो है वो हवाई को क्यों इलाक किया था और उसके बाद हम देखेंगे के जदीद रियासतें और 50 रियासतों की तकमील हुई थी 1945 से 1949 तक। तो दूसरी जंग अजीम ने अलास्का और हवाई की आज स्ट्रेटजिक अहमियत थी उसको कैसे उजागर किया था। अलास्का और हवाई कब रियासत का दर्जा हासिल उन्होंने किया, वो क्यों अहम थे, इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे अमरीका की तोसी के असरात को और मेराज को कि अमरीकी तोसी ने मुल्क की डाइवर्सिटी और असर को किस तरह से फ़रोग दिया था और मगरब की तरफ तोसी की वजह से अमेरिका को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। देन हम देखेंगे कि मैनिफेस्ट डेस्टिनी के तस्वर ने मकामी अमरीकी कम्युनिटीज के ऊपर किस तरह से असर डाला था। सो स्टार्ट करते हैं। द यूनाइटेड स्टेट एक्सपेंडेड फ्रॉम 13 ओरिजिनल कॉलोनीज अलोंग द अटलांटिक कोस्ट टू बिकम अ 50 स्टेट नेशन विद टेरिटरीज स्पैनिंग द कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। दिस ट्रांसफॉर्मेशन अकर्ड थ्रू अ सीरीज ऑफ एक्सक्यूसेशंस, ट्रीटीज, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड नेगोशिएशंस। Understanding these milestones offer insights into the country's growth and challenges it faced in the process. तो अमेरिका की तोसी जो है हुई थी, अमेरिका ने अपने क़याम के आगाज में 13 रियासतों से लेकर 50 रियासतों वाले मुल्क की शक्ल इख्तियार की और यह सफर जो था वो ज़मीनों की खरीदारी और इसके अलावा मुआहदों, जंगों और मुज़ाकरात के जरिए मुकम्मल हुआ था, ठीक है। इन अहम इक़दामात को समझने से हमें अमेरिका की तरक्की के बारे में भी जो है वो इनको समझने में मदद मिलेगी और इसमें जो दरपेश चैलेंजेस थे उसको समझने में भी मदद मिलेगी। सो इंट्रोडक्शन टू द यूएस एक्सपेंशन द ओरिजिनल 13 कॉलोनी 1776। तो अमेरिका ने बरतानिया से आज़ादी का ऐलान करते हुए 1776 में 13 कॉलोनियों की शक्ल में आगाज़ किया था, ठीक है। और 1783 में पेरिस के मुआहदे के बाद अमेरिका की सरहद इंद्रिया मिसिसिपी तक फैल गई थी। देन हम देखेंगे एक्सपेंशन माइंडसेट एंड विजन, यानी कि तोसी नुक्ता नज़र और विजन को 19 सेंचुरी के आगाज़ में मैनिफेस्ट डेस्टिनी का जो कंसेप्ट है वो सामने आया था और इसके तहत जो अमेरिकन ने पूरे शुमाली अमेरिका में तोसी का ख्वाब देखा था जिसने मगरबी इलाकों की तरफ जो है वो आबाद होने के जज्बे को भी तकवीत दी थी। उसके बाद दूसरा पॉइंट है मैनिफेस्ट डेस्टिनी एंड वेस्टवर्ड एक्सपेंशन 1820-1853। तो मैनिफेस्ट डेस्टिनी का कॉन्सेप्ट क्या है। 1840 की दहाई में यह नज़रिया रिवाज हुआ था कि अमेरिकन को खुदा की तरफ से मगरब की तरफ तोसी का हक मिला है, तो ये उनका क्या था, एक कॉन्सेप्ट था, एक नज़रिया था। तो इस यानी कि नज़रिए ने नए इलाकों को शामिल करने में भी और मगरब की तरफ आबादी मुंतकिल करने की हमायत की थी। उसके बाद मिसौरी कॉम्प्रोमाइज 1820 शुमाली और जनूबी रियासतों के दरमियान गुलामी के मसले पर तवाजन बरकरार रखने के लिए मिसौरी समझौता किया गया था जिसमें मिसौरी को गुलाम रियासत और मैन को आज़ाद रियासत का दर्जा दिया गया था। उसके बाद की टेरिटोरियल एक्सक्यूसेशंस ड्यूरिंग वेस्टवर्ड एक्सपेंशन, यानी अहम इलाकों की हसूलियाँ, इसमें टेक्सास का इलाक है। 1836 में टेक्सास ने मेक्सिको से आज़ादी हासिल की और 1845 में अमेरिका का हिस्सा बना। सो इस इलाक से मेक्सिको अमरीकी जंग छिड़ गई थी, यानी अमेरिका और मेक्सिको के दरमियान, जिसने अमरीका को मजीद इलाके हासिल करने का मौका दिया था। उसके बाद ओरेगन टेरिटरी 1846, तो अमेरिका ने बरतानिया के साथ मजाकरात करके
ओरेगन का इलाका हासिल किया, जिसमें मौजूद जो ओरेगन वाशिंगटन अदावो, उसके अलावा मोंटाना और वोमिंग थे, इसके कुछ हिस्से शामिल थे। और उसके बाद है मैक्सिकन सेशन 1848। तो मेक्सिको अमेरिका की जंग के बाद जो मुआहदा हुआ था गुडाल्पे हिडाल्गो, इस मुआहदे के तहत अमेरिका को कैलिफोर्निया, नेवाडा, यूटा और इसके अलावा अरिज़ोना और कोलोराडो, वायोमिंग और न्यू मेक्सिको के कुछ हिस्से उन्होंने हासिल कर लिए थे। सो दिस लार्ज एक्सप्लोरेशन वाज अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन द वेस्टवर्ड एक्सपेंशन। देन थर्ड पॉइंट है कंटिन्यू टेरिटोरियल एक्सपेंशन इन द साउथ साउथ वेस्ट 1853 to 1867। सो गेडसन खरीदारी 1853 में हुई। अमेरिका ने मेक्सिको से जनूबी जो है वो अरिज़ोना और न्यू मेक्सिको के इलाके उन्होंने खरीदे थे। और इस तरह से जनूबी जो ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेल रोड था, इसका रास्ता आसान बनाने के लिए उन्होंने खरीदारी की थी। और कैलिफोर्निया गोल्ड रश जो कि 1853 के अंदर इसको परचेज किया गया था, तो 1848 के अंदर जो है कैलिफोर्निया में सोने की दरियाफ्त ने जो है लोगों को मगरब की तरफ मायल किया था, जिससे फिर 1850 में कैलिफोर्निया को जो है रियासत का दर्जा हासिल हो गया था। और इस तरह से अलास्का जो था उसकी खरीदारी की गई थी। और 1867 के अंदर अमेरिका ने रूस से अलास्का 7.2 मिलियन में खरीदा था, और यानी 7.2 मिलियन डॉलर में खरीदा था। और इस वक्त लोग उसे जो है वो सेवट की बेवकूफ़ी इसको कहते थे, सेवट पुल इसको कहते थे। तो बाद में इस इलाके ने सोने और तेल की सूरत में कीमती वसाइल फराहम किए थे। देन ट्रांजिशन टू द ग्लोबल पावर इन ओवरसीज टेरिटरीज 1889 to 1912। आलमी ताकत का सफर और बैरूनी इलाके। सो हस्पानवी अमरीकी जंग और इलाकाई फवाद क्या थे 1898। तो 1898 में हस्पानवी अमेरिकी जंग के बाद अमेरिका को पोर्टो रिको, गुआम और फिलिपाइन पर कंट्रोल हासिल हुआ था। और इसके अलावा जो है इसमें इलाका यानी कि हवाई का इलाका भी शामिल था, तो इसका इलाक भी 1898 के अंदर हुआ था। अमेरिका ने 1988 में हवाई को इलाक किया, और ये मकाम बहरुल्काहिल में तिजारती और अस्थिर अहमियत रखता था। देन हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं एडमिशन ऑफ द न्यू स्टेट्स इन द वेस्ट, न्यू स्टेट्स इंटर द यूनियन 1907 to 1912। ठीक है, तो नई मगरबी रियासतों का इलाहाक हुआ था, और नई रियासतों की शमूलियत जो थी वो 1907 से 1912 तक थी। और ओक्लाहोमा, न्यू मेक्सिको 1912 और इसके अलावा एरिज़ोना 1912 ने रियासत का दर्जा हासिल किया था, जिससे शुमाली अमेरिका में अमेरिका की सरहद मुकम्मल हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है मॉडर्न स्टेटहुड एडिशंस एंड द कंप्लीशन ऑफ द 50 स्टेट्स 1945 to 1949। तो जदीद रियासतों और 50 रियासतों की तकमील हुई थी 1945 से 1949 तक। जंग अजीम दोम और अलास्का और हवाई की स्ट्रेटजिक अहमियत क्या थी, अलास्का और हवाई ने दूसरी जंग अजीम के दौरान अपनी स्ट्रेटजिक अहमियत साबित की थी। ठीक है, सो जिससे जो है उनकी रियासती हसियत की हमायत में इजाफा हुआ था, और अलास्का और हवाई का जो रियासती दर्जा था 1959 के अंदर, तो अलास्का को 49 और इसके अलावा हवाई को 50वीं यानी रियासत का दर्जा मिला था, जिससे अमेरिका की सरहदें मुकम्मल हो गई थी। सो इस क्वेश्चन को, टॉपिक को हम इस तरह से कंक्लूड करते हैं कि अमेरिका की तोसी का असर क्या है और उसकी मेराज क्या है। तो जो है वो 13 कॉलोनियों से 50 रियासतों तक का जो सफर है अमेरिका का, वो अमेरिका को एक बरअजमी और आलमी ताकत में उसने बदल दिया। सो ड्राइवन बाई इकोनॉमिक एम्बिशंस, पोलिटिकल ideologies like manifest destiny, strategic considerations, this shaped a diverse and powerful country. So, इस तरह से इक्तसादी मकासद, सियासी नजरियात और जिस तरह से manifest destiny और उसकी हिकमत अमली उसने तोसी को मुमकिन बनाया। तो इस तोसी के नतीजे में जो मकामी अमरीकी कबाइल थे उनके साथ जो तनाजात थे और गुलामी के ऊपर इख्तलाफात और पड़ोसी ममालिक के साथ जो कशीदगी भी इसकी वजह से पैदा हुई थी। तो इस सब के बावजूद इस सफर ने एक ताकतवर यानी कि मतनो एक डाइवर्सिटी और स्टेबल अमेरिका की बुनियाद रखी थी, मुस्तहकम अमेरिका की जो है वो बुनियाद रखी थी। सो जो अमेरिकन न्यूज़ से बहरुल्काहिल तक ये जो अमेरिका था वो फैला हुआ था। ठीक है, अब हम इसको समराइज करते हैं कि हमने आज के टॉपिक में क्या डिस्कस किया है। क्वेश्चंस की सूरत में करते हैं कि कॉलोनियाँ क्या थीं और उन्होंने कब आज़ादी हासिल की थी। तो अमेरिका की असल जो 13 कॉलोनियाँ थी वो बरतानी हुक्मरानी में थी। ठीक है, उन्होंने 1776 में आज़ादी का ऐलान किया था, और ये कॉलोनियाँ बहरे कानूस के साथ वाक़ थीं, और वो पहली अमरीकी रियासत थी जिन्होंने इतिहाद कायम किया था। ठीक है,
उसके बाद हमने डिस्कस किया कि अमेरिका था उसकी तौसीह में पेरिस के मुआहदे की क्या अहमियत थी। तो पेरिस का मुआहदा जो था वो 1783 ने अमेरिकी आज़ादी को तस्लीम करते हुए अमेरिका की सरहदें दरिया मिसिसिपी तक बढ़ा दी थी, जिससे मगरब की तरफ तौसीह की राहें खुली थी। मैनिफेस्ट डेस्टिनी के कॉन्सेप्ट ने अमेरिकी तौसीह को किस तरह से मुतासर किया था? मैनिफेस्ट डेस्टिनी का जो था वो एक नजरिया था, यानी जिसके तहत अमेरिकन ने समझा कि उनका मुकद्दर है कि वह पूरे शुमाली अमेरिका पर काबिज हूँ, और यह सोच अमेरिका की मगरब की तरफ तौसीह और बाकी इलाकों के हसूल में अहम किरदार अदा करती थी। ठीक है, उसके बाद हमने पॉइंट टू डिस्कस किया था मैनिफेस्ट डेस्टिनी का और मगरब की तरफ तौसीह का, जो कि 1820 से 1853 का दौर था। तो मैनिफेस्ट डेस्टिनी का मतलब क्या है और इसने अमरीकी पॉलिसी को कैसे तश्कील दिया? तो मैनिफेस्ट डेस्टिनी का मतलब है कि अमेरिकन का ये अकीदा था कि खुदा ने उन्हें मगरब की तरफ फैलने का हक दिया है। ठीक है, और ये जो उनका आइडिया था, आइडियोलॉजी थी, अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी में शामिल हो गया और मगरबी ज़मीनों के ऊपर कब्जे की बुनियाद बना था। उसके बाद हमने जो है वह मैसूरी समझौता जो को डिस्कस किया कि आज़ाद और गुलाम रियासतों के तवाज़ुन को उसने कैसे मुतासर किया था। तो इस समझौता ये जो समझौता था वो 1820 में किया गया था, जिसके तहत मैसूरी को गुलाम रियासत जबकि मेन को आज़ाद रियासत बनाया गया था, और यह समझौता अमेरिका में आज़ाद और गुलाम रियासतों के दरमियान तवाज़ुन को बरकरार रखने की कोशिश थी। ठीक है, देन हमने डिस्कस किया कि टेक्सास को 1845 में क्यों शामिल किया गया था और इससे किस तनाज़े ने जन्म लिया था। तो टेक्सास को 1845 में अमेरिका में शामिल किया गया था, जिससे मेक्सिको के साथ तनाज़ा पैदा हुआ, और यह तनाज़ा मेक्सिको अमेरिकी जंग यानी 1846 टू 1848 में बदल गया था। थर्ड पॉइंट हमने डिस्कस किया इस टॉपिक में कि जनूब मगरबी इलाकों में मजीद तोसी हुई थी, और यह पीरियड था 1853 टू 1867। तो गेट्सन खरीदारी का मकसद क्या था और इसे कौन सा इलाका शामिल हुआ था? गेट्सन खरीदारी 1853 में मेक्सिको से की गई थी, जिसका मकसद जनूबी रेलवे के लिए रास्ता बनाना था, और इसे मौजूद जनूबी जो है वो एरिजोना और न्यू मेक्सिको इसका इलाका शामिल हुआ था। कैलिफोर्निया में सोने की तलाश ने अमरीकी मगरब की तरफ तौसी को कैसे मुतासर किया था? हमने डिस्कस किया कि 1848 में कैलिफोर्निया में सोने की दरियाफ्त ने हजारों लोगों को मगरब की तरफ खींच लिया था। ठीक है, और इससे फिर जो अमरीकी आबादी थी और मीशत थी उसमें तेजी से इजाफा हुआ, जिसने मगरबी इलाके को आबाद किया। ठीक है, देन हमने डिस्कस किया कि अलास्का की खरीदारी को इब्तदा में मतनाज़ा क्यों समझा गया था? तो अलास्का को 1867 में रूस से खरीदा गया था, लेकिन कई अमरीकियों ने उसे सेवट की बेवकूफ़ी कहा, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि यह इलाका किस अहमियत का हामिल है। तो बाद में अलास्का में मदनियात की दरियाफ्त ने इस खरीदारी की अहमियत को साबित कर दिया था। फोर्थ पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि आलमी ताकत का सफर और बैरूनी इलाकों की तौसीह के बारे में, यानी इसका जो दौरानिया था वो 1889 टू 1912 तक था। ठीक है, और हस्पानवी अमरीकी जंग के नतीजे में अमेरिका ने कौन से इलाके हासिल किए थे? हमने इस पॉइंट में डिस्कस किया था कि हस्पानवी अमेरिकी जंग 1898 के बाद अमेरिका ने पोर्टोरिको, गुआम, फिलीपींस के इलाके हासिल किए थे, और इन इलाकों के हसूल ने अमेरिका को बैन अक्वामी सतह के ऊपर एक यानी कि ताकत बना दिया था। और 1898 में अमेरिका ने हवाई को क्यों इलाहा किया था? तो 1898 में अमेरिका ने हवाई को इसकी अहम तजारती और फौजी स्ट्रेटजिक अहमियत की वजह से इलाहा किया था। ठीक है, और इसकी जोग्राफी अहमियत ने भी उसे बहरुल कायल में एक मजबूत फौजी अड्डा बना दिया था। देन हमने डिस्कस किया था पॉइंट के 1907 से 1912 के दौरान अमेरिका में कौन सी रियासतें शामिल की गई थी। तो 1907 से 1912 के दौरान ओक्लाहोमा, न्यू मेक्सिको और एरिज़ोना ये अमेरिका में शामिल हुए थे, जिससे अमेरिका की सरहदें पूरे शुमाली अमेरिका में मुकम्मल हो गई थी। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट हमने इस वीडियो में डिस्कस किया कि जदीद रियासतें और 50 रियासतों की तकमील, जो कि 1945 टू 1949 तक थी, कि दूसरी जंग अजीम ने अलास्का और हवाई की स्ट्रेटजिक अहमियत को कैसे उजागर किया था। दूसरी जंग अजीम के दौरान अलास्का और हवाई की जोग्राफी हैसियत की वजह से उन्हें जंगी हिकमत अमली में काफ़ी अहमियत हासिल हुई थी, और उनकी स्ट्रेटजिक अहमियत ने रियासती हैसियत की हमायत को बढ़ावा दिया था। और अलास्का और हवाई कब रियासत का दर्जा उन्होंने हासिल किया और वो क्यों अहम थे? तो अलास्का और हवाई ने 1959 में रियासत का दर्जा हासिल किया, और उनके रियासती हैसियत ने अमरीका को जोग्राफी और दिफाई मजबूती फराहम की थी, और बेलोकाल और कुतुब शुमाली तक भी इसकी रसाई को मजीद मुस्तहकम किया। ठीक है, उसके बाद हमने इस तरह से कंक्लूड किया था अपने टॉपिक को कि अमेरिका की तौसीह का असर और मेराज के बारे में, कि अमेरिकी तौसीह ने मुल्क की जो तनु है उसकी डाइवर्सिटी है और असर है इसको किस तरह से फ़रोग दिया था। तो हम ये कह सकते हैं कि अमेरिकी तौसीह ने मुख्तलिफ सकाफ़तों, वसाइल, मशीतें, तरक्की को जो है वो मुल्क में शामिल किया, जिससे अमेरिकी दुनिया भर में एक डाइवर्स और एक इन्फ्लुएंस रखने वाला मुल्क बन गया था। मगरब की तरफ तौसीह की वजह से अमेरिका को किन मुश्किल का सामना करना पड़ा था? मगरब की तरफ तौसीह से अमेरिका को मकामी अमरीकी कबाइल से तनाज़ात, गुलामी के ऊपर इख्तलाफात और सरहदी तनाज़ात जैसे मसाइल का सामना करना पड़ा था।
लास्ट में हमने डिस्कस किया कि मैनिफेस्ट डेस्टिनी के कॉन्सेप्ट ने मकामी अमरीकी कम्युनिटीज के ऊपर किस तरह असर डाला था। तो मैनिफेस्ट डेस्टिनी के तस्वर ने मकामी अमरीकी कबाइल की जमीनों के ऊपर कब्जे को नाजायज करार दिया था, जिससे इन कबाइल की बेदखली, जंगें और सकाफती तबाही जैसे संगीन असरा जो थे वो मुरतब हुए थे। सो हमने इस टॉपिक में डिस्कस किया इस वीडियो में अमेरिका की तोसी को, जो कि अमेरिका जो था वो 13 रियासतों से 50 रियासतों तक फैल गया था। ये एरा था 1820 to 1949, ठीक है। और अमेरिका की तोसी कैसे हुई थी, इसके इंट्रोडक्शन देखो, इसमें आने वाले तमाम पॉइंट्स को भी डिस्कस किया है। तो इन टॉपिक्स के रिगार्डिंग अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।